नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। लोगों के सामने कुछ गलत होता है या फिर अपराध होता है तो अक्सर लोग अपना मुंह फेर लेते हैं, कोई भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता है। ऐसे में एक जज ने ट्रेन लेट होने के मामले में जब कदम उठाया तो उन्हें जबरन रिटायर होने के लिए कह दिया गया। एक काफी हैरान करने वाला फैसला था। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी निचली अदालत के एक जज को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के हाई कोर्ट प्रशासन के फैसले को रद्द करने के दौरान दिया। बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में जज की तत्काल बहाली का आदेश देते हुए खुद पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सुरवा घोष की पीठ ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि जुर्माने की रकम अपीलकर्ता जज मिंटू मलिक को दी जाएगी। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि जज को जितने दिन सेवानिवृत्त रहना पड़ा उसे सेवा काल में रखा जाएगा। बताया जाता है कि मिंटू मलिक सियालदह अदालत में रेलवे मजिस्ट्रेट थे। 5 मई 2007 को वह बजबज सियालदह लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ट्रेन लेट थी। उन्होंने वहां मौजूद यात्रियों से पूछताछ की तो पता चला कि ट्रेन हमेशा ही लेट रहती है। इस संबंध में उन्होंने ड्राइवर से बात की तो वो सही जवाब नहीं दे सके। बता दें कि उन्होंने ड्राइवर और गार्ड को रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट करने के लिए कहा ताकि मामले पर विस्तृत सुनवाई और सुधार हो सके। दोनों जब अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने रख रहे थे उस वक्त कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में रेल कर्मी जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। ड्राइवरों के प्रदर्शन में शामिल होने से रेल संचालन 3 घंटे रुका रहा। बता दें कि उच्च न्यायालय ने मामले की जांच करवाई और प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट मिंटू मलिक को 2007 में निलंबित कर दिया गया। जांच पूरी होने के बाद साल 2013 में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। इस संबंध में उन्होंने राज्यपाल के सामने भी अपील की लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। 2017 में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने भी कार्रवाई को यथावत रखा। इस पर उन्होंने खंडपीठ में अपील की जिससे ने यह ताजा आदेश दिया है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।